ये कहना चाहती हूँ, मेरी जो कविता का विषय है मोस्टली शिक्षा है और थोड़ा सा अंधविश्वास है, जो इस पे अगर आप गौर करें तो मुझे बहुत मान मिलेगा। कि कैसे जी रहे हो तुम, कैसे जी रहे हो तुम, तुम्हारा जीना है बेकार। कैसे जी रहे हो तुम, तुम्हारा जीना है बेकार। बिना शिक्षा के तुम्हारा नहीं होगा कैसा भी उद्धार। अज्ञान से नष्ट होता है अमूल्य जीवन का सार। अरे बहुजनों समझ जाओ, अरे बहुजनों समझ जाओ, अज्ञानता ही है तुम्हारे शोषण का आधार। एक हिदायत है मेरे सभी प्रियजनों के लिए जो बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते हैं, मंदिर जाते हैं, उनके लिए बुलाना माने प्लीज। ना जाओ मंदिर तुम, ना जाओ मंदिर तुम, ना बजाओ घंटा तुम, छोड़ो इन बाबाओं को अंधभक्त ना बनो तुम। थामो थामो अब कलम को और खुद को साबित करो तुम, इस जिंदगी में खुद जिंदगी को हासिल करो तुम। इस जिंदगी में खुद जिंदगी को हासिल करो तुम। सिर झुका के जीना, सिर झुका के जीने में क्या जीना है तुम्हारा। सिर झुका के जीने में क्या जीना है तुम्हारा। एक बार खुद के लिए सिर उठा के मत। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मूल निवासी हैं और ये देश हमारा घर है और था, हमेशा ही रहेगा, कोशिश ये कि हमेशा ही रहेगा। मगर यहाँ पर जो विदेशियों ने जो कब्जा करा है उससे हम कोई अज्ञान नहीं है और हर चीज में हमारा शोषण है, शादी में, नौकरी में, आरक्षण में। तो मैं अपने साथियों को ये कहना चाहती हूँ, जो ये देश हमारा है तो उसके लिए घर अपना है तो दरवाजा भी अपना होना चाहिए। दरवाजे का मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब देश अपना है तो हमें इजाजत नहीं है किसी भी चीज की। तो घर अपना है तो दरवाजा भी अपना होना चाहिए। इन विदेशियों को बाहर खदेड़ने का इरादा भी अपना होना चाहिए। ये देश हमारा अपना है, ये देश हमारा अपना है और संविधान हमारा अपना है। ये देश हमारा अपना है, संविधान हमारा अपना है। अरे तो फिर राजा भी तो हमारा अपना होना चाहिए। और एक शिकायत अपने पढ़े लिखे वर्ग से, कामयाब वर्ग से, जो अपने परिवार के लिए जीता है, अपने सुख आराम के लिए जीता है, कि पढ़ गए हो आप और काबिल भी बन गए हो आज और सीना ताक कर करते भी होंगे खुद पर नाज। खुद के लिए राजा बने तुम, अरे खुद के लिए तो राजा बने तुम, पिछड़ा तो रह गया तुम्हारा खुद का समाज। ऐसे जीने की कोशिश करो तुम जैसे था मेरे बाबा साहेब का अंदाज। और सुनिए कि बड़ा ही गर्व होता होगा तुम्हें खुद पर मोटी तनख्वाह लाने में। बड़ा ही गर्व होता होगा तुम्हें खुद पर मोटी तनख्वाह लाने में। और बड़ी ही शर्म की बात है कि शर्म भी आती होगी खुद को ऐसी कहलाने में। पर भूल गए हो तुम जो वो भी बन जाता स्वार्थी तुम जैसा। पर भूल गए हो तुम जो वो भी बन जाता स्वार्थी तुम जैसा। तो पूरी जिंदगी निकलती तुम्हारी औरों के जूते चप्पल चमकाने में। पर शर्म आती है तुम्हें ऐसी कहलाने में। बाबा साहब जी ने अधिकार दिए हैं जैसा कि आप जानते ही हैं, मगर हमें दो हथियार भी दिए हैं। एक हथियार हमें दिया है वोट का और एक हथियार दिया है हमें शिक्षा का। तो मैं उस पर कहना चाहती हूँ कि शिक्षा के हथियार से ही तुम शोषण की लड़ाई लड़ पाओगे। शिक्षा के हथियार से ही तुम शोषण की लड़ाई लड़ पाओगे, तभी मनुवादियों से अपने हक को ले पाओगे। निश्चय कर लो दृढ़ अपना तभी तुम संसद पहुंच पाओगे। वह
वहीं पहुंच जाओगी। लास्ट में मैं एक शेर कहना चाहती हूँ, मेरी कविता समाप्त हो गई है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी कविता को बहुत ध्यान से, प्यार से और तालियों के साथ सुना। तो एक शेर के साथ एक बात खत्म करती हूँ अपनी कि तुम राह पर चलते जाओ, तुम राह पर चलते जाओ जब तक है कोई राह बाकी, तुम राह पर चलते जाओ जब तक है कोई राह बाकी, तुम संघर्ष करते जाओ जब तक है कोई इम्तहान बाकी, तैयार तुम्हें रहना है तब तक, तैयार तुम्हें रहना है तब तक जब तक है शत्रु का अक्स बाकी, अरे अभी तो बहुत लड़ाई लड़नी है जब तक है अपना लक्ष्य बाकी।